नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। अच्छे समय आने से पहले आपको मिलते हैं यह 10 शुभ संकेत, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी किस्मत अब खुलने वाली है। आपको कुदरत ने ही 10 इशारे किए हैं जिनसे आपको खुश होने की ज़रूरत है। माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होने वाली हैं। यह संकेत यदि आपको दिखे तो कहा जाता है कि हमारी ज़िंदगी में जब भी अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है तो प्रकृति हमें संकेत जरूर देती है, लेकिन कभी कभी इन संकेतों को हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। धनवान कौन नहीं होना चाहता है, धन की देवी लक्ष्मी की कृपा से ही धन की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे 10 शुभ संकेत मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको अपार धन मिलने वाला है। इसे आप अच्छा समय आने का संकेत भी मान सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं बिना देर के हुए उन 10 शुभ संकेतों के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान भी हो सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं। भविष्य में आपको कभी भी ऐसे संकेत दिखाई दे तो आप खुश हो जाइएगा कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है, आपके घर में खुशियों की बूझ गिरने वाली है। तो दोस्तों अचानक से आपके घर में काले रंग की चींटियां वर्तुलाकार बनाकर कुछ खाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपके अपार धन मिलने की संभावना बन रही है। ऐसे में उन चींटियों को नमस्कार करें और उन्हें शक्कर में आटा मिलाकर खिलाएं, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, आप पर आशीर्वाद उनका बना रहेगा। वहीं दोस्तों यदि आपके घर में कोई चिड़िया आकर घोंसला बना ले तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। आप मान लें कि अब आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है। वहीं दोस्तों घर में यदि अचानक 3 छिपकलियाँ एक ही स्थान पर आपको दिखाई दे दे यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। ये भी कहते हैं कि यदि छिपकलियाँ एक दूसरे का पीछा करते हुए दिखाई दे रही हैं तो घर की उन्नति का संकेत दे रही हैं। दिवाली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना आपके लिए अत्यंत शुभ ही माना जाता है। यह अपार धन मिलने की संभावना है। आर्थिक तंगी से यदि आप परेशान हैं तो आपको अब खुश होने की ज़रूरत है क्योंकि अब आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। वहीं दोस्तों यदि आपकी दाहिनी हथेली में लगातार खुजली हो रही है यह भी धन प्राप्ति का शुभ संकेत होता है। उसी के साथ यदि सपने में आपको झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो यह आपको धन प्राप्ति का संकेत इशारा करता है। कुदरत आपको ये इशारा करता है कि आपको धन प्राप्त होने वाला है। उसी के साथ ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि सुबह उठते ही शंख की आवाज़ सुनाई देना और शाम को भी सुनाई दे तो ये महालक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। अगर ये अक्सर होता है ये आम बात हो सकता है, परंतु ये अगर कभी कभी हो या अचानक से आपको सुनाई दे तो आपको खुश हो जाने की ज़रूरत है। उसी के साथ यदि आपको बाहर घर के बाहर जाते ही गन्ना दिखाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत होता है। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा हो तो मान लीजिए आपके घर पर महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हों और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुख में रोटी या अन्य कोई शाकाहारी चीज लाता हुआ दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होगा या आप कहीं दावत खाने जा सकते हैं। यदि आपको सुबह सुबह घर से बाहर निकलते ही कोई झाड़ू लगाता दिखाई दे दे ऐसा लगातार कई दिनों तक चलता रहे तो समझ लें कि आप बहुत जल्द धनवान बनने वाले हैं।
अगर किसी जरूरी काम के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हों और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा पात्र आपको दिख जाए तो ये संपन्नता का संकेत होता है। वहीं अगर आपके घर के द्वार पर गाय आकर रंभाए यानी आवाज लगाए तो घर में सुख समृद्धि आने का संकेत देती है। ऐसे में गाय को घर आने पर उसे रोटी ज़रूर खिलाएं। अगर आप किसी जरूरी यात्रा पर जाने वाले हैं और घर से निकलते ही आपको याद आ जाए कि आपको कुछ सामान भूल छूटा हुआ है तो बहुत शुभ संकेत होता है। यह बुरा समय टालने का संकेत माना जाता है। वहीं यदि आपको रास्ते पर चलते हुए कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो समझ लीजिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का भी संकेत देता है। पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अगर आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां अचानक से दिखाई देने लगे इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियां आने वाली हैं। तो मित्रों आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे ही जानकारी के साथ। मित्रों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहेगी।